मैक्स क्या कर रहे हो? मैक्स क्या कर रहे हो? क्या? A few moments later. मैक्स यहाँ क्या? हाँ जी, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आपका पैक निकल पड़ा था पिथौरागढ़ से मुक्तेश्वर के लिए, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं मैकी और गोस्टी को अकेले कहीं लेके जा रहा हूँ। 6 घंटे लंबा सफर और वो खत्म करने के बाद हम फाइनली पहुंचे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में वी चेक इन टू दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड एस्केप मुक्तेश्वर, और इसके आगे की कहानी चलो शुरू करते हैं। तो जब कभी भी इतने लंबे सफर से आओ आप लोग, तो रूम में सेटल होने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा लिया जाए, सो दैट दे कैन रिलैक्स देमसेल्व्स, क्योंकि बहुत लंबे सफर से आए हैं ना ऑलरेडी, तो बॉड बैठे बैठे उनके भी हाथ पैर अकड़ जाते हैं, यू नो। और इसी वजह से हम इनको ले गए छोटी सी एडवेंचर पे, छोटे से ट्रैक पे। तो अभी हम जंगल ट्रेल पे जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि आज सुबह से गोष्ठी की ना एक्सरसाइज भी नहीं हुई है। मैक्स वहाँ नहीं जाओ, आओ इधर जाना है, आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय। तो ये जंगल ट्रेल जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और आवाज़ सुन रहे हो झिंगुर की, वाह। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं, ये है जहाँ हम रह रहे हैं, ये दिख रहा है उधर सुंदर सा व्यू, देखो उसके सामने क्रेजी। बेटा मारेगा मक्कू मक्का, अबे ओए कुछ नहीं करते भैया, खाली ड्रामा, कुछ नहीं फट्टू हैं ये भी, खासतौर से मैक्स तो एक नंबर का। ए मैक्स पंगे नहीं, क्या नाम है भैया इसका? मुनिया। और इसका भूरा, ये कहाँ जाएंगे भैया, कहाँ ले जा रहे हो सामान? अच्छा ये यहाँ का लोकल फल है, क्या है ये? आड़ू, प्लम भी होता है ना। मैं पिथौरागढ़ से हूँ जानते हो, आया पिथौरागढ़ आप? पिथौरागढ़ में भी है हमारे बगीचे, वहाँ पे भी होते हैं प्लम और आड़ू। भूरा और मुनिया से तो आप लोग मिल लिए, अब टाइम है जिम्मी से मिलने का। जिम्मी 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 कितना छोटू है ये, जाओ मिल के आओ जिम्मी से, जाओ जाओ। हाँ डर लग रही है तेरे को, गोश ने ऐसे स्टैंड बनाया है ना कि बस। फाइनली मस्ती करते करते ना शाम हो गई, और शाम होते ही बच्चों का डिनर टाइम। तो अभी बज रहे हैं 6, और यूजुअली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ जल्दी इन्हें दे दूँ डिनर, सो दैट इज जल्दी 10 बजे के आसपास ना पॉटी वोटी कर लें, क्योंकि यार अनजान जगह है, देख रहे हो आप, रात को इतना अंधेरा होता है, हमें पता नहीं है ना, रिस्क लेना सही नहीं रहता है। तंगड़ी कौन खाएगा, दीज आर लाइक, कई सारे लोग बोलते हैं ना हड्डी उबली भी नहीं देनी चाहिए, तो ये ना बहुत हल्का सा बॉइल्ड, बस हल्का सा एक बार गर्म करा गया ऐसे, ताकि इसके अंदर के जो कीड़े हैं ना मर जाएं। अगर देखो मेरी मानो अगर तो हैंड फीडिंग इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद योर डॉग, सबसे अच्छा बॉन्ड आपका तभी बनता है जब आप उसे हाथ से खिलाते हो। अब मान लो तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो मान लो, इतनी बात तो मेरी मानते ही हो ना, तो ये भी मान लो। मैं इसके लिए सेकंड लग पीस ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तो बच्चों ने खाना खाया और फिर हम निकल गए अपनी मीटिंग निपटाने। मीटिंग क्यों? क्योंकि काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना बाबू, तेल का पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा मीटिंग के साथ साथ वी ऑल्सो वेंट टू सी सम नाइस कैफेज इन द सिटी, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक दिन पहले जाके ना थोड़ा सा मार्केट सर्वे कर लो, रिसर्च कर लो, कौन से कैफेज है जहाँ पे अलाउड ले जाना, कौन से कैफेज है जहाँ पे ले जाना अलाउड नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप बच्चों को लेके चले गए और उन लोगों ने वहाँ पे अलाउ नहीं किया, तो कितना हैसल सा हो जाता है बच्चों के लिए भी, है कि नहीं? फिर आप उनको कहाँ लेके जाओगे, तो ना आप इन्जॉय कर पाओगे ना बच्चे, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले ही सेटिंग करके आ जाओ। खैर हम बच्चों को घर अकेला छोड़ के गए थे ऑब्वियसली, बताया तो अभी आपको। अब मैं इतने टेंशन में था ना कि कहीं घर में मैक्सी की तो टेंशन नहीं है, गोस्टी ने कुछ डैमेज ना किया हो, क्योंकि सही प्रॉपर्टी थी, और बस डर लग रही थी भाई को आपके। हम गए थे डिनर करने और अपने गुड बॉयज को हमने यहाँ पे छोड़ दिया था घर पे, एंड मेरी बहुत फटी पड़ी है कि क्या होगा रूम में,
हेलो गुड बॉयज, आपने कुछ तोड़ा फोड़ा तो नहीं ना? सर मैक्स एज यूजुअल गोस्ट वॉक करा रहा है। ओए भागो मत। मैक्स आपने कर लिया मक्कू सुसु? चलो भी चलो, पूरी मैक्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो जैसे वॉक करके घर पहुंचे ना, दोनों पर के दोनों बच्चे लुढ़क गए, इतना थक गए थे ना सफर के बाद। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दी अपनी पार्टी, और पार्टी के दौरान मिस्टर अंकित सिंगल, जो कि एक आर्किटेक्ट भी हैं और साथ में एक मैजिशियन भी हैं, इन्हें जादू भी आता है, वो आपको एक छोटी सी अपनी मैजिक ट्रिक दिखाएंगे। मैं जल्दी, आप क्या करने वाले हो? मैं आपको मैजिक दिखाने वाला। चलो ओके ओके, चलिए मैजिक दिखाने वाला सिंगल, ठीक है? 8 इंच का हाथ है। हाँ, 2 इंच की मोमबत्ती। हाँ, फॉर ऑल द कीबोर्ड वॉरियर्स जो लिखने वाले हो कि तू तो बोल रहा था मैं अकेले गया हूँ, तो देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको, मैं पिथौरागढ़ से मक्का गोष्ठी को लेके गया हूँ अकेले मुक्तेश्वर, दिल्ली से मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं मुक्तेश्वर, हम मुक्तेश्वर में मिले और वहाँ कर रहे हैं हम मस्ती। Hi guys, good morning. अभी उठे हम लोग, कल रात थोड़ा लेट हो गया था पार्टी करके, तो अभी हम एक वाटरफॉल पे जा रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैक्स है और मैं आपको पता मैक्स को स्विमिंग का सीन क्या है। तो कल जैसे भैया ने हमें वाटरफॉल के बारे में बताया था ना, मेरे दिमाग में तो मैक्स की ना इमेज आ गई तैरते हुए। मतलब पानी और मैक्स, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, भगवान मतलब रब ने बना दी जोड़ी वाली कॉम्बिनेशन है मक्कू और पानी की। मछली है वो मछली। वाटरफॉल में जाने से पहले अच्छे नागरिक होने के नाते और अच्छे पापा होने के नाते बच्चों को सुसुपोटी करा रहा हूँ मैं। बस बाकी मौसम बहुत अच्छा है यार, बहुत सुहाना है, बट ना धूप देख रहे हो बहुत तेज़ है यार, जो कि होती यूजुअली पहाड़ों में। तो बस गोष्ठी को गर्मी ना लगे, हमें तो सब चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलो मैक्स को तो नहीं लगने वाली गर्मी, तो घुस जाएगा पानी में, गोष्ठ मेरी फटती है पानी से, तो हम साइड से बैठ के देख लेंगे भाई और क्या। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे, ठीक है? मेरे को कोई आइडिया नहीं था वाटरफॉल कैसा होने वाला है, तो मेरे को था कि पानी मिल जाए बस मैक्स को तैरने के लिए, और बहुत सारे लोग ना हो और कोई वहाँ पे हमें रोके ना, क्योंकि पब्लिक जगह पे ना यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, यू डॉगी आ ऊ, ये सब ड्रामा से कर देते हैं, खासतौर से गोष्ठी को देख के। कैन नॉट ब्लेम देम, किसी और का ऐसा डॉगी आएगा तो मैं भी डरूंगा, बट फिलहाल ये है कि पानी मिल जाए, मक्कू तैर ले, लाइफ इज सॉर्टेड। अभी हमारे फ्रेंड्स गए हैं पूछने के लिए कि वाटरफॉल में क्या, तो बहुत भीड़ है यार, 15-20 तो गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो अभी पता कर रहा हूँ कि गुड बॉयज को वहाँ पे स्विमिंग करने देंगे कि नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे स्विमिंग करने फिर विल गो बैक टू आवर रूम। तो गोश्त मिल तो फटती है पानी से, कमार का कोई प्लान नहीं है। मैक्स ये मक्का, मक्का को दिखाना, तो जब हम वहाँ पे पहुंचे ना, तो वहाँ पे ना कई सारे बच्चे थे छोटे छोटे, जो ना प्लम और आड़ू बेच रहे थे, और वो जब मैक्की गोष्ठी को उन्होंने देखा, वो ऐसी मस्ती में आए भाई साहब, आगे चिपक गए हमसे, भैया ये क्या है, ये भेड़िया है, ये है वो है, हम भी मजे लेने लगे। तभी एक बच्चा ना छोटा सा बड़ा आशिक टाइप का लग रहा था मुझे शुरू से ही, वो भाग के गया और मेरी गाड़ी भी लिखता है के पी और दिल, हमने साला ये क्या है। चलो अपना नाम बताओ, वीडियो में आएगा क्या? लक्की, लक्की तेरा नाम है? तेरा नाम कमल पिश, तुम भाई हो? तभी केपी, केपी की कहाँ है, कहाँ है केपी? गाड़ी में, गाड़ी में। अच्छा गाड़ी कहाँ? अच्छा ए पीछे तेरी गर्लफ्रेंड का नाम है क्या? ये पीछे किसी का नाम है? प्रिया, प्रिया, पायल, किसी गर्लफ्रेंड है? पायल तेरी गर्लफ्रेंड है? तेरे को पता है पायल कौन है? इसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी है, काट देगा काट देगा। तो फाइनली हमें परमिशन मिल गई और अब हमने शुरू किया अपना वाटरफॉल तक का ट्रैक। ये जो ट्रैक है ना बहुत ही सुंदर सा, शुरू जब आप करते हो तो बहुत रॉ होता है, और फिर जो झरने की वाटर स्ट्रीम है ना वो आपका साथ देने लगती है, उसे किनारे किनारे आप चलते रहिए बस, और खूबसूरत सा हरा भरा सा रास्ता आपको वेलकम करता है। मैक्स खींच रहे है ये, व्हाट इज दिस, मत खींच भाई,
जा पानी में जाओ, गुड गर्ल जा। हाँ जाओ जाओ जाओ। मैक्स को ना भी पता ही नहीं है कि आगे कितना ज्यादा पानी आने वाला है। चुल्लू भर पानी में ना डूबने की कोशिश कर रहा है मेरा बबू। देखना कैसे लेट रहा है, लोट पोट बस खतर पतर सब पूरा पानी में, बस डुबकी लगानी है भाई को। और मैक्स की हरकतें देख के ना इतना अम्यूज हो रहे थे ना लोग सारे, इतने मजा आ रहे थे लोगों को उसको देख के। ये देखना अच्छा खासा रास्ता है, पर मैक्स को देखो, ये देखो पहले लोट पोट कर दी, बस अब रास्ते में नहीं चलना, पानी में चलेगा, मछली है ना ये, इसको पानी में चलना जरूरी है। और एक्साइटमेंट देख रहा हूँ मैक्स की, कितना खुश है, कैसे तेज तेज भागे जा रहा है आगे आगे। अब मक्कू खुश देख के ना हम सबका तो दिल ही खुश हो गया यार। सो हाफ एन आवर हो गया हमें चलते चलते, आई एम रियली हैप्पी कि गोष्ठी की एक्सरसाइज हो रही है, अबे पूरा दिन ना परेशान नहीं करेगा मेरे को। मैक्स पानी बाबू कूद थोड़ा मारेगा ऊपर से। फाइनली काफी देर के संघर्ष के बाद मैक्स को एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे वो तैर सकता था, और खुशी देखना लड़की की जरा। जाओ जाओ स्विमिंग करके आओ, जाओ जाओ, गुड बॉय, बॉल फेंकू। अगर आपको लाइफ में किसी भी तरीके का डिप्रेशन या परेशानी है ना, मक्का की पूंछ पे फोकस करो, ठीक है। Go. अच्छा 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 बॉल, गरीब बॉल, दो तेरे को जाना नहीं है, जा ना भाई, आई पास। वो वहां से जा रहा है पैदल पैदल। मैक्स लकड़ी, उसको तैरना है बस ना, वो देख दूर दूर जाना है उसे बस तैर के, कह रहा लकड़ी तो बहाना है। मैक्स के ना पैर देखना ठीक है, आगे वाले जब आएगा ना पास में पैर देखना ठीक है, छोटे छोटे से, वो देख छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। मैक्स से मोटिवेट हो गए ना गोस्ट ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और तैरने का हल्का सा ट्राई किया। वन मैक्स गो 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 साइड साइड से, गोस्ट तैर सकता है भाई, गोस्टी तैर सकता है तू। मैक्स गया, गोस्ट आजा आजा आजा, डर मत। गोस्ट कह रहा है मेकअप खराब हो गया मेरा, आजा आजा। तो यहाँ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो था भालूगढ़ वाटरफॉल्स। जो बना हुआ ना पुल इनका, दिस इज वेरी स्केरी फॉर डॉग्स, क्योंकि गैप्स है ना, ऑल्दो इट्स वेरी, वैसे सेफ, इट इज सेफ बट इट्स वेरी स्केरी। लुक एट मैक्स क्रॉलिंग हिज वे, पानी नहीं होता ना मैक्स जाता नहीं यहाँ से, पानी इज द ओनली मोटिवेशन दैट टेक्स मैक्स। Oh wow man, this is beautiful. Oh wow. Wow man, I was not expecting it. Max, yahan. Max kya? Gaya gaya. Max yahan. Yahan. Max keh raha hai, bhai main na sun raha, pani hai. Chal. मेरे को तो लगा था कि लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, लोग डरेंगे, उल्टा यहाँ तो सब के सब मक्कू से खेल रहे थे, जैसे मक्कू ने ना सबको यूनाइट कर दिया हो। ये मैक्स के साथ तैर रहे हैं लोग, ये आंटी देख रहे हो आप, सॉरी हाँ बट ये साड़ी में है यार, सीरियसली। तो अब हम प्लान कर रहे हैं ऐसे जाने का, बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ है एंड
कोई शांत जगह देखे जहाँ पे हम आराम से बैठ पाए। मैक्स चलें क्या? अपना लंच करना है, देखो कितना टेम्पटिंग है लंच। राजमा चावल और आलू, रायता, प्याज, मिर्च, सिंदल, पानी नींबू, पानी नींबू। अबे यार भाई आप लोग मेरे से पूछते हो ना मेरी गर्लफ्रेंड ये ये बाबा तो क्या करके आया, कहाँ से करके आया ये? मैक्स यहाँ आओ। ये क्या क्या कर रहा मैक्स? अच्छे घर ये, इसको देख के कोई पढ़ा लिखे घर का डॉगी नहीं बोलेगा इसको। यहाँ आओ मैक्स चलो। तो पूरा दिन तो मैक्स ने मस्ती मार ली, मतलब लिटरली मैक्स के अलावा ना किसी ने मस्ती मारी नहीं यार। मैक्स तो बहुत ज़्यादा थक गया था, हमने सोचा पहले घर आ जाते हैं और थोड़ा बहुत थक तो हम भी गए थे, सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, शाम को कहीं घूमने जाएंगे क्योंकि अगले दिन वापस भी जाना था हमने। और मैं गोस्ट को ढूंढूं, मेरे को गोस्ट कहीं दिखे ना, मैं नीचे देखा, मैंने अंकित से बोला नीचे, कहता नहीं, मैंने ऊपर देखा नहीं है, मैं कहीं भाग तो नहीं गया। और पता गोस्ट कहाँ था? देखो एक गोस्ट तो धूप में क्यों पड़ा है गोस्टी? अच्छा भूरा मुनिया को देखा है तू, मैं छोड़ू गर्मी लग जाएगी बाबू। अच्छा तो फाइनली हमने छोटी छोटी सी अपनी नैप्स ले ली, बच्चे भी सो गए थे, हम उठे शाम को और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, एक बहुत ही स्पेशल कैफ़े, उसका नाम है कैफ़े घाना, आप खुद ही देख लो। सो अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सी जगह इन दोनों के साथ कॉफ़ी पीने के लिए, है ना, और इनका डिनर तो घर पर बन रहा है पर हम घूमी घूमी करके आएंगे। चले मैक्स चले। मैक्स क्या देख रहा होता हूँ आपको? मैक्स इसको देख रहा है, जिमी को। बाय जिमी। गाइज कल हम वापस जा रहे हैं और थोड़ी सी हल्की सी सैडनेस भी है मेरे को क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत मज़े करे, देख रहे हो आप फायर प्लेस, गोश्ती बाहर है ठंड में, मक्कू थक गया आज, आपने देखा कि नहीं स्विमिंग करी है इसने और बहुत मज़े मारे। आपको पता है सबसे अमेजिंग क्या था? तो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना सबको मैक्स ने एक तरह से यूनाइट कर दिया था, सारे बच्चे बड़े वहाँ पे जितने लड़के आए हुए थे हर कोई मैक्स को, मैक्स का खेल रहे हैं। मैं स्टिक फेंक रहा हूँ तो कुछ लड़के थे स्टिक लेके रेस लगा रहे थे स्विमिंग करते करते मैक्स के साथ, और इसने मिट्टी में लोटपोट भी कर दी, और उसके अलावा गोश्ती भी एक बार गया था आपने देखा होगा पानी में फिर फट गई उसकी। खैर ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट ट्रिप और कल हम दोबारा से यहाँ से जाएंगे वापस, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कि जब आप ऐसे टाइम में होते हो ना, मैं मैक्स और गोश्ती अकेले, तो जो बॉन्डिंग आपकी होती है ना, जो आप शेयर करते हो इमोशन साथ में, इतना टाइम आप साथ में बिताते हो, ध्यान रखते हो आप, इतने अलर्ट होते हो, तो मेरे को इस बार बड़ा अच्छा लगा, पहली ट्रिप थी जब हमने साथ में सफ़र किया। गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, न्यू डे A new day, a new beginning। और ये डायलॉग मुझे अंकित ने अभी भी बोला है तो मैंने बोल दिया। अगले दिन हम सुबह उठ गए थे अर्ली एंड वी लेफ्ट फॉर पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ आते मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज स्लाइटली सैड, क्योंकि यार मेरे जो दोस्त हैं ना उनसे मैं बहुत कम मिल पाता हूँ। पिथौरागढ़ में रहने का एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज ये है कि मेरे दोस्त मेरे से दूर रहते हैं और उनसे महीने में क्या एक आध बार ही मिल पाता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आई वॉज फीलिंग सैड, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बट देन आखिरी में जाके एक लैंड स्लाइड हो रही थी, वहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई और वहाँ पे जाके आपसे बात करते हैं। चलो चलें। अभी बस प्लान है कि अभी एक से डेढ़ घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे, तो घर पे तो सब सॉर्टेड है, बाहर पिथौरागढ़ पे तो टेम्परेचर 22-23 डिग्री होगा जब हम पहुँचेंगे। बाकी ये जो दोनों बच्चे हैं ये बहुत अच्छे हैं, अभी कोई परेशान नहीं करा दोनों ने, और बस ये बताना था दोस्तों। सो ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।